थैंक यू सो मच अगर आपने इस वीडियो पर क्लिक किया है। अगले 5 से 10 मिनट बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड नॉलेजेबल होने वाले हैं, सो आई वुड रिकमेंड कि आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। हे एवरीवन, मेरा नाम है पंकज एंड आई वेलकम यू इन द सीरीज हाउ टू मेक ट्रैप म्यूजिक फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश। ये सीरीज का पहला वीडियो है और इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे थोड़ा सा ट्रैप म्यूजिक और इसके बैकग्राउंड के बारे में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। वर्ल्ड में 1300 डिफरेंट टाइप के म्यूजिक जॉनर्स हैं जिनको कि हमने कैटेगराइज किया हुआ है। नाउ अगर मैं कुछ फेमस कैटेगरीज की बात करूं तो उनमें से एक है हाउस म्यूजिक, लैटिन अमेरिकन म्यूजिक की कैटेगरी है, इंडियन बॉलीवुड म्यूजिक की कैटेगरी है, हिप हॉप एक कैटेगरी है। नाउ हिप हॉप के अंदर 36 डिफरेंट टाइप के सब जॉनर्स हैं जिनमें से कि ट्रैप एक कैटेगरी बनती है, मतलब हिप हॉप इज़ द रूट और उसके अंदर जो है वो 36 डिफरेंट टाइप के कैटेगरीज हैं और ट्रैप उनमें से एक है। अगर एक दूसरा एग्जांपल मैं दूं हिप हॉप के अंदर और कौन सी कैटेगरीज आ सकती हैं, जैसे डब स्टेप उसके अंदर आता है, R&B उसके अंदर आता है। सो ट्रैप, हम इस सीरीज़ में ट्रैप की बात कर रहे हैं तो मैं ट्रैप के बारे आज थोड़े से बैकग्राउंड आपको बताता हूँ कि ट्रैप कैसे फेमस हुआ और ये नाम कैसे पड़ा। ट्रैप का मतलब होता है फंसाना या फंस जाना। तो ये जो अजीबोगरीब नाम है वो आया साउथ अमेरिका की गलियों से, जहाँ पर जो नया यंग टैलेंट था, जो रैपर्स थे, जो लिखते थे, एंड देन दे यूज़ टू डू रैप बैटल्स। सो रैप बैटल्स का मतलब ये होता है कि आप कुछ इनिशिएट करते हो कोई कन्वर्सेशन एंड देन सामने से आपको जवाब मिलता है उसी सेम लहजे में। तो उस समय उन लोगों के पास बीट्स नहीं हुआ करते थे, सो व्हाट दे यूज़ टू डू इज़ लाइक फर्स्ट दे स्टार्टेड विद स्नैप्स, लाइक कि आप 4 snaps के अंदर कितने लाइनें बोल सकते हो। देन फुट टैपिंग आई कि आप फुट के टैप पे काउंट करते हो कि आप कब लाइन कंप्लीट कर रहे हो। देन उसके अंदर उन्होंने कुछ हाई हैट्स के जो पैटर्न्स है वो मुंह से बजाने शुरू किए, लाइक तो इस तरह से जो है वो बीट बॉक्सिंग आई। एंड देन लेटर ऑन जो वो जो रैपर जो फ्री स्टाइल रैपिंग होती थी उसके ऊपर उन्होंने बीट बॉक्सिंग करना स्टार्ट किया। एंड धीरे धीरे करके ये जो कैटेगरी है वो इतनी फेमस हुई कि आज आप देख सकते हो कि हर रैपर जो है वो हिप हॉप के अंदर ही अपने जो लिरिक्स हैं उनको प्रेजेंट करता है, अपने टैलेंट को पब्लिक के सामने रखना चाहता है। सो ट्रैप म्यूजिक को इतना फेमस बनाने के लिए कुछ तो ऐसा होगा इसके अंदर जिससे एकदम से ये इतना वर्ल्ड के अंदर लोग इसको पसंद करने लगे। सो वेल, देर आर 2 इंपॉर्टेंट थिंग्स इन द ट्रैप म्यूजिक। पहली चीज है ट्यून्ड 808s, जो कि किसी ना किसी एक स्पेसिफिक की के अंदर ट्यून्ड होती हैं। एंड एवरीबडी नोज लाइक 808s इज द हार्ड हिटिंग बेस जो कि DJs पे जब बजती है या स्पीकर्स में जब बजती है तो वी एंजॉय इट अलॉट। एंड सेकेंड थिंग इज जो रोलिंग पैटर्न्स होते थे हाई हैट्स के, सो दीज आर द 2 प्राइमरी रीजन्स जिनकी वजह से हिप हॉप म्यूजिक जो है वो इतना फेमस हुआ। तो अगर आप एक रैपर हैं, आई थिंक दिस इज़ द राइट कैटेगरी फॉर यू और ये सीरीज़ भी आप ही के लिए है। सो फॉलो करें इस पूरी सीरीज़ को। ये था इस सीरीज़ का पहला वीडियो। अगले वीडियो में हम बात करेंगे ट्रैप म्यूजिक के स्ट्रक्चर के बारे में, इसकी BPM क्या होती है, हाउ टू अंडरस्टैंड द मेट्रोनॉम एंड बार क्या होता है। सो अगर आपने ये वीडियो पूरा देखा है सो थैंक यू सो मच। अगर आपको ये इन्फॉर्मेटिव लगा है सो गिव मी अ थम्स अप एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल ताकि आपको अगले आने वाले जो वीडियोस हैं उनके नोटिफिकेशंस मिलते रहें। सो मेक श्योर यू टर्न ऑन दैट बेल आइकन। सो आई सी यू वेरी सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बी सेफ एंड टेक केयर ऑफ सेल्फ्स। गुड बाय।